Hi everyone, I am Aruna Galwadia from Kinder Sports. I am working in State Senior School Vadali, Sabarkantha. आज हम लोग करने वाले हैं गोल कीपिंग. तो गोल कीपिंग में आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राउंडेड बॉल किस तरह आती है और हम लोग उसको किस तरह सेव करते हैं. वो सारे पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्राउंडेड बॉल आ रही है तो हम लोगों को बॉल किस तरह से सेव करना चाहिए. ओके, अभी हम लोग यहाँ पे गोल पोस्ट के पास खड़े हैं और हम लोग देख लेते हैं कि ग्राउंडेड बॉल आ रही है तो हम लोग किस तरह से रिसीव कर रहे हैं. पहले हमारी पोजीशन इस तरह से दोनों पैर खुले और ये रहने चाहिए. जब भी कोई मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग अपनी मूवमेंट बॉल के बॉल जिस हिसाब से रहेगा अपनी मूवमेंट भी उस हिसाब से हम लोग रखेंगे. ओके, तो देखिए अभी मैं यहाँ से रिसीव कर रही बॉल ग्राउंडेड बॉल. ओके ओके, हम लोग इस तरह से जब भी बॉल आ रही है ग्राउंडेड तो हम लोगों को दोनों हाथ इस तरह से कप जिस तरह हम लोग कप बना रहे हैं इस तरह से बॉल को उठाना है और चेस्ट को इस तरह से उसको लॉक कर देना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, अभी हम लोग ने एक अलग वेरिएशन के साथ करने का किया है कि हम लोग इस तरह से कौन रख सकते हैं और कौन की हमारी मूवमेंट अच्छे से हो सके और हम अच्छे से इम्प्रूव कर सके. इसलिए इसमें से हम लोग इस तरह से बॉल को बॉल के साथ विदाउट बॉल पहले कर लेंगे फिर विद बॉल करेंगे. तो इस तरह से हम लोग अपनी मूवमेंट रखेंगे. ओके, अभी आप लोगों को ये करना है कि सामने से बोल देना है कि यहाँ पे जो गैप है उसमें बॉल पास करें और यहाँ पे जो गैप है उसमें पास करें और आपकी ये मूवमेंट रहेगी. ओके, और फिर स्पीड में आप लोगों को बॉल लेने जाना है. पहले जब आप ये मूवमेंट करें तो बॉल आपको सीधा ही पास आना चाहिए, वहीं पे आप लोगों को करना है. फिर साइड टू साइड जो आएगा वो आप लोग कर सकते हैं. हम लोग ने ग्राउंड में बॉल सेव किस तरह से किया जाता है वो स्किल देख ली है. तो ग्राउंडेड बॉल जब भी आ रही है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी मूवमेंट के बॉल की जिस तरह से हम लोग एक जगह पे यहाँ पे ऐसे खड़े नहीं रह सकते, अपनी मूवमेंट हम लोगों को रखनी है. और ग्राउंडेड बॉल जब भी आ रही है तो हम लोगों को बॉल उठा के चेस्ट की ओर लगा देना है. इसके बहुत सारे बेनिफिट है. अगर हम लोग कौन रखे इसको प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या अवेयरनेस हमारी ज़्यादा बढ़ेगी और हम लोग हमारा बॉल जो भी आ रहा है तो उसको हम लोग अच्छे से सेव कर सकते हैं. और रेगुलर इस तरह से प्रैक्टिस करने से इसके बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हमारी गेम में दिख सकते हैं. ओके, थैंक यू.